मृत्यु जो उनका अटल तत्व है जिसे चाहकर भी कोई रोक नहीं सकता। कलयुग में मृत्यु एकमात्र ऐसा मार्ग है जो समय आने पर अच्छे अच्छे बुरे सभी खात्मा कर देती है। मृत्यु एक क्या है, मृत्यु परंत आत्मा के साथ क्या होता है और मृत्यु से जुड़ी हर एक बात मनुष्य को जाननी चाहिए, यह सब गुरु पुराण में दर्ज है। गुरु पुराण व्यक्ति के लिए कई बातों बारे में विस्तार से बताया गया है कि जीवन किन कार्यों के कहाँ के पापों को नाश हो जाता है। व्यक्ति मृत्यु के बाद सद्गति को प्राप्त होता है। गुरु पुराण बताई गई सभी बातें समय नारायण ने बताई है। इतना ही नहीं, गुरु पुराण में व्यक्ति पुनर्जन्म तक बारे में बताया गया है। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि गुरु पुराण में बताई गई बातों का अनुसरण करके मनुष्य पापों को नष्ट कर प्रगति प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक हिंदू अपने जीवन में कम से कम एक बार भगवान विष्णु या उनके अवतार को पूजा अवश्य करनी चाहिए। भगवान विष्णु को पूजा अर्चना करने से जीवन में सभी संकट दूर होते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से नियमित है नाम जाप करने से जीवन में बाद भी सभी संकट दूर होते हैं। हिंदू धर्म में गंगा केवल नदी न कहकर देवी का दर्जा दिया गया है। कहते हैं कि नदी महान है, पवित्र है, इसलिए इस नदी के में स्नान करने से प्रत्येक मनुष्य पुण्य को प्राप्त करता है। अगर आप गंगा तट पर जाकर स्नान नहीं कर सकते तो गंगा का जल बाल्टी में भर कर वो अपने नहा लिए स्नान करके व्यक्ति को पाप नष्ट होते हैं। गो पुराण में तुलसी का प्रधान ले जाने वाला बताया गया है। कहते हैं श्री नारायण तुलसी के तंत्र प्रिय है। अगर व्यक्ति नियमित रूप से तुलसी पौधे पूजा करता पाठ करता है तो उससे प्राप्त होती है। पूजा अगर तुलसी तो पौधा अगर गले में पहन कर उसकी मृत्यु हो जाती है उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर भगवान के नाम जाप करते समय अंतिम प्राण छोड़ जाए तो उसको मोक्ष की अवश्य प्राप्ति होगी। इन बातों को ध्यान में रखने से आपको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य मिलेगी।